ओम शांति। बाबा हमें संपूर्णता की ओर ले चल रहे हैं और संपूर्णता की एक बहुत गहन परिभाषा है निर्दोष दृष्टि और निष्काम भावना। हम अपनी दृष्टि को निर्दोष बनाएं, जो दूसरों के दोष देखते हैं, जो दूसरों पर दोष आरोपित करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, वे वास्तव में संपूर्णता के पथ के राही नहीं हैं। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं इस ड्रामा में। सबका अपना अपना पार्ट निश्चित है। यहाँ सभी महान नहीं हो सकते, यहाँ सभी गुण संपन्न नहीं हो सकते। कलयुग में अवगुणों की खान भी अनेकों का जीवन बन चुका है, परंतु हमें तो सब में गुण ही देखने हैं। निष्काम भावना, किसी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। न मान की कामना हो, न काम की कामना हो, ये दो कामनाएं ही मनुष्य को ढीला करती हैं, योग के पथ से विचलित करती हैं। उनमें रूहानियत का अभाव हो जाता है और मन असंतुष्ट रहने लगता है। काम की कामनाएं, कईयों ने काम वासना को तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी सूक्ष्म कामनाएं अभी भी बाकी हैं, जो कभी स्वप्न के रूप में उदय होती हैं, कभी संस्कारों के रूप में, कभी कर्मेंद्रियों की चंचलता के रूप में। हमें इन कामनाओं का भी त्याग कर देना है। अपने से बातें करें, जब मैंने पवित्रता का पथ अपना लिया तो फिर ये कामनाएं क्यों? त्याग करें इनका। मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा के महत्व को अच्छी तरह समझ लें। पवित्र आत्मा इस संसार के लिए वरदान है। उनका इस संसार में होना ही पर्याप्त है। वो चाहे कुछ भी ना करें, वो तो इस संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। मुझे बाबा के इस महान कार्य में पवित्रता के द्वारा संपूर्ण सहयोग देना है। ये सुंदर भावना अपने मन में रहे तो चेक करते रहें, मेरे मन में काम की सूक्ष्म भावनाएं क्या क्या हैं, कामनाएं क्या क्या हैं, उनका त्याग करते चलें। ज्ञान के बल से, योग के बल से, जैसे जैसे आत्मा को ईश्वरीय रस मिलता रहेगा, ये कर्मेंद्रियों का रस या और कुछ पाने की इच्छा समाप्त होती जाएगी। जब तक आत्मा अशरीरीपन के सुंदर अनुभव में नहीं आती, तब तक उसको ईश्वरीय सुख भी कम भासता है और ये काम की कामनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जिन्हें संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर चढ़ना है, वो इन कामनाओं का त्याग कर दें। मान की कामना, ये भी बड़ी सूक्ष्म रूप से पीछा करती है। संगठनों में कंपटीशन रहता है, ईर्ष्या रहती है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा ही नाम हो, मुझे ही मान मिले। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी मिले, ये देखकर परेशानी क्यों होनी चाहिए? दूसरे यदि योग्य हैं, क्या वो मान के पात्र नहीं हैं? क्या उनका नाम नहीं होना चाहिए? और क्या ब्राह्मण परिवार में किसी का भी नाम होना हम सब का नाम नहीं है? आपके लौकिक परिवार में आपके एक बच्चे का बहुत नाम हो जाए, क्या वो आपका नाम नहीं होता? तो हम अपनी विचारधाराओं को जरा विशाल बनाएं और आज सारा दिन सूक्ष्म रूप से अपनी जांच कर लें कि हम में ये कामनाएं शेष तो नहीं रह गई हैं, नहीं तो ये कामनाएं हमारी सूक्ष्म शक्तियों को खाती रहेंगी और हम सेवाएं करते हुए भी, योग करते हुए भी, मुरली सुनते हुए भी पीछे रह जाएंगे। तो आइए आज सारा दिन बहुत तत्परता के साथ अभ्यास करें। मैं आत्मा इस तन में अवतार हूं, मैंने अवतार लिया है इस संसार को पावन बनाने के लिए।
विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान मुझे परम धाम से अपने साथ लाए हैं कि चलो बच्चे मेरे इस कार्य में सहयोगी बने। अपने इस स्वरूप पर एकाग्र होते हुए फील करेंगे कि परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस फाउंटेन के नीचे मानो मैं निरंतर स्नान कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ओम शांति।